नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तुलसी विवाह आपने कर लिया, लेकिन बहुत सारी सामग्री आपने तुलसी मैया को अर्पित करी, चाहे सोलह श्रृंगार थे, चाहे चुनरी थी, इसके अलावा आपने खाने पीने की चीजें थी, बहुत सारे सिंदूर था और मिठाइयाँ थी, आपने कुछ कुछ चौकी सजा रखी थी, जल था, सारी नारियल था, ये सब चीजों का आप क्या करें? यानी तुलसी विवाह करने के बाद इन सारी सामग्री को आप सारी इकट्ठी करते हैं और कहीं भी जाकर के छोड़ाते हैं या फिर आप बहा देते हैं? क्या ऐसा ही करना चाहिए? देखिए, किसी भी पूजा को अगर सफल बनाना है तो उसका समापन अच्छा करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमारी बस एक हमारे सिर से बला टल गई, बस हमने काम कर दिया, बस ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कभी भी पूजा को एहसान की तरह नहीं लेना चाहिए। पूजा को हमेशा आस्था के साथ जोड़ करके लीजिएगा, भाव के साथ जोड़िए उसे, ताकि आपको उसका प्रभाव जो है वो पूरा साल आपके जीवन में बना रहना चाहिए। तुलसी विवाह चाहे आप 23 को मनाइए या 24 को, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में वैसे बहुत सारा क्लियर कर दिया है, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उसमें सोलह श्रृंगार की सामग्री क्या होनी चाहिए, मुहूर्त कौन सा है शादी करने का, तुलसी विवाह का, और किस दिन तुलसी विवाह आप जरूर करें, और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बताया है और कैसे आप साधारण तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। बट जब ये सारी चीजें हो गई आपकी, तो समापन तो ढंग से कीजिए आप। यानी चढ़ा दिया, सारी चीजें चढ़ा दी, लेकिन कहाँ है वो सारी चीजें आपकी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने तुलसी मैया को अगर चुनरी अर्पित करी है, कुछ लोग साड़ी अर्पित करते हैं, साड़ी के ऊपर एक चुनरी भी अर्पित करते हैं, लेकिन अगले दिन वो क्या करते हैं, साड़ी तो रहने देते हैं पर चुनरी उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्या करते हैं आप उसका? चुनरी हमेशा सुहागिन महिलाओं को अपने पास रख लेनी चाहिए, और जिनकी शादी नहीं होती है, कहते हैं कि अगर के माँ तुलसी से एक्स्ट्रा चुनरी है, वो आपको लगता है कि ये इधर उधर डिस्ट्रॉय ही होगी, तो माँ वृंदा से मांग लीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चुनरी जो है वो मांग लीजिए और प्रसाद रूप में उसे अपने पास रख लीजिए कि हे मैया, आने वाले साल में मेरी शादी हो जाए, ताकि मैं अपनी शादी के दिन इस चुनरी को अपने साथ रखूंगी, पूरा दिन अपने पास रखूंगी, ये आशीर्वाद है मेरे पास आपका, तो आप उसे अपने साथ रखिए, अपनी अलमीरा में रख दीजिए, साफ जगह पर रखिए, जहां अंडरगारमेंट्स रखते हैं वहां नहीं रखिएगा, साफ सुथरी जगह पर रखिएगा, तो उस चुनरी का आप अच्छे से प्रयोग कीजिए। अब बहुत सारी चीजें, मिठाई आपने तुलसी मैया को चढ़ाई, मिठाई का आपने क्या किया, जितना आपने प्रसाद रूपी खाना है खा लीजिए सारी, लेकिन जो बच गई, जो आपने उनके गमले के अंदर आपने मिठाई चढ़ाई है, तो आपको लगता है कि उसमें मिट्टी लगी तो नहीं खा सकते हैं, डेफिनेटली हम भी नहीं कहेंगे कि उसे आप खाइए, बट दूसरे दिन उसे फेंकते क्यों हैं आप? निकाल दिया, कहीं भी डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब हो गई, तो कहाँ रखेंगे आप, कहाँ करेंगे आप उनका, मिठाई का क्या करेंगे? तो मिठाई निकाल लीजिए। किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में जहां चींटियां होती हैं, वहां जाकर के उसको स्प्रेड कर दीजिए, तो आप इसे वेस्ट मत कीजिए, फेंकिए मत, निरादर मत करिए किसी भी सामग्री का। ये निरादर जब हम करते हैं, इसीलिए हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि हम समापन उसका समाप्ति अच्छी नहीं करते हैं। शुरू में आस्था से हम हर चीज करते हैं, लेकिन जो आखिरी पल होते हैं, पूजा के आखिरी पल, वो बहुत खराब कर देते हैं आप लोग। कभी ऐसा मत कीजिएगा। जितना खाना है फिर उतना ही रखिएगा, प्रसाद या एक प्लेट में रख लीजिए, बहुत सारे गमले में रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, फिर उसके बाद उठा के फेंक देते हैं, कभी कोई डॉगीज आ रहे हैं तो खा जाते हैं, कभी कोई, जो भी है, आप जिसे भी खिलाना चाहते हैं आप खिलाइए उसे, लेकिन ऐसे फेंकी नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं कीजिए, इससे हम पाप के भागी बन जाते हैं। अच्छा करते करते हम स्वयं अपना खुद का ही सारी चीजें खराब कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसे आप चींटियों को डाल सकते हैं अगर आपने खुद नहीं खाना है, या फिर आपके पास अपने खुद की छत है, छत मीन्स रूफ, ऐसा नहीं छत मीन्स कि घर की बात नहीं कर रहे हैं, घर तो सबके पास ही होगा, लेकिन फिर भी आप इसे छत के एक कोने में एक साइड पर रख देते हैं, धीरे धीरे जो हमारे पक्षी होते हैं थोड़ी थोड़ी चीज करके खा लेंगे, या कुछ चींटियां खा लेंगी उस चीज को, तो फेंकना नहीं है। जल कलश का भरा हुआ, जल से भरा हुआ कलश तो आपने अपने घर में उठा के ले आइएगा हर दिन। आपको मालूम है तुलसी मैया की होरा में अगर कोई भी चीज चली गई, वो देवीय हो गई, चमत्कारी बन गई है वो, आपने उसे चमत्कारी चीज का प्रयोग कैसे करना है, आपने जल ले आना है अपने घर में, रोज थोड़ा थोड़ा छिड़काव कीजिए, साफ सुथरा जल है, इनफैक्ट अपने बच्चों को पिलाइए उस जल को, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे ढंग से बात नहीं करते, बच्चों की वाणी खराब है, हमने क्या किया,
हमने चीजें जो रखी हमने तो उसको पहन दिया उठा करके, चीजें इधर उधर कर दी हमने, तो आप देवीय चीजें आपके पास तैयार हुई उसका सही यूटिलाइजेशन करिए ताकि आपके जीवन में देखिए कैसे समृद्धि आती, कैसे खुशियां आती है, कैसे आपके जीवन में बरकत आती है, बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस है, हमारा प्रॉमिस ये था कि हमने आप तक वीडियो पहुंचाई, लेकिन आपको हमारे साथ एक प्रॉमिस करना है कि आपने इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचा देना है ताकि कोई भी इस सामग्री को वेस्ट ना करे जिन्होंने भी तुलसी विवाह किया है। अगर आप वाकई ही पूजा भक्ति में लीन है, मान्यता रखते हैं, तो इस वीडियो को रोकिएगा नहीं, बहुत सारे लोगों तक जाने दीजिएगा ताकि हर कोई इस वीडियो को देखे और इसे देख करके वो बहुत सारी चीजों का सही यूटिलाइजेशन कर सके, खराब ना करे किसी चीज को, कभी इधर फेंका है कभी उधर फेंका है, ये गलती नहीं करनी है ताकि हम पूजा का अच्छा सफल ले पाए। तो वीडियो इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को प्लीज शेयर कीजिएगा। गन्ना, कुछ लोगों ने मंडप बनाए थे और कुछ लोगों ने गन्ना चढ़ाया था, क्या किया आपने उसका, उठाया और फेंका है जा करके, जब पानी में बहा दिया, क्या किया आपने? हम ये करें कि अगर आपने बहुत जिनको बुला करके, चाहे विद्वानों को बुला करके अगर आपने तुलसी विवाह कराया था तो आप बहुत सारी चीजें उनको भी दे सकते हैं, बट गन्ना तो आप अपने घर में खा सकते हैं, गन्ने का सेवन कर सकते हैं, कितना देवीय जे रस जो होता है ना, ये देवीय रस होता है, और अगर नहीं खा रहे हैं तो गौ माता को खिला दीजिए आप, यानी आप ये पशु पक्षियों को भी तो चीजें दे सकते हैं, आप फेंक क्यों रहे हैं, जल में बहाना चाहते हैं, दूषित क्यों करना जल को, आप किसी के मुंह में ये चीजें जाएंगी, तो पशु पक्षियों को कुछ चीजें देना शुरू कर दीजिए, वेस्ट ना कीजिए, किसी भी चीज का निरादर करना ये हमारी पूजा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खलल पैदा कर देते हैं हमें। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की थी नमा को, तो कहाँ है वो? जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पास रखें, उसका यूटिलाइज करना, और माँ से आपने मांग करके लेना है कि ये उपहार हमें चाहिए, ये प्रसाद हमें दीजिए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य इसका आशीर्वाद दीजिए, साथ में भगवान विष्णु से ले लीजिए, दोनों से आप हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हुए आप इस 16 श्रृंगार को लीजिए, और सुहागिन महिलाएं इसका पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो शादी की कामना कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं होती है वो कन्याएं वो जाकर के ये बोल सकती हैं कि ये श्रृंगार हमें दीजिए, जिस दिन हमारे घर में शादी की बात चलेगी या फिर हमारी शादी पक्की होगी तो हम इस श्रृंगार को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ये आशीर्वाद है, साक्षात माँ वृंदा का आशीर्वाद होता है, अपने पास रखिए, इसे संजो करके समेट करके रखिए, देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में, तो आपने श्रृंगार अपने पास रखना। धन सिक्के जो आपने अर्पित किए थे कहाँ हैं? उठा लीजिए, चाहे भले उसे चुनरी में रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा चुनरी आपने चढ़ाई थी माँ तुलसी को, तो आपने उसमें बांध करके तिजोरी में रख दीजिए, धन की वृद्धि होती है, साक्षात माँ लक्ष्मी भी आशीर्वाद दे देती है, भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद दे देते हैं, पूरी कायनात आपको आशीर्वाद देने लगती है, तो आपने ये धन के स्थान पर इस सिक्कों को रख लेना है। चौकी, माँ को भी अपने विराजित किया था वहां पे, माँ वृंदा को, तुलसी मैया को, और वहीं पे श्रीहरि बैठे थे, सोची कितना पवित्र स्थान बना दिया उन्होंने, वो चौकी दैवीय चौकी हो गई आपके लिए, तो आप उसे कहाँ उठा करके रख दे रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सोचिए थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना शुरू करिए। लेकिन मैंने आपका कहा ना, ये वीडियो को आपने सिर्फ अपने तक नहीं, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि जो लोग भी चीजों को वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसका सही यूटिलाइजेशन कर सके और उनकी पूजा भी सफल हो और उनको साल भर आशीर्वाद भी मिले। चौकी को हमेशा अपने घर में रखिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए काम करिएगा, जब कोई शुभ कार्य करे इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इनमें साफ सुथरी होली बुक्स आपकी पूजा की भक्ति की बुक्स रख सकते हैं आप, ये इतनी देवीय चीज है जिसका आप निरादर कर देते हैं, तो जो जो तुलसी मैया को आपने सामग्री चढ़ाई है उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा और ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।